हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी यहाँ पे देखिए, जेनी को यहाँ पे लॉक कर दिए हैं चाची, क्योंकि ये ना जैसे ही गेट खुलता है पूरा बाहर इधर उधर चली जाती है, उसके पीछे फिर जाना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल उसको मेडिसिन खाना है, तो चाची इसलिए ये वाला गेट जो है बंद कर दिए हैं। और ये ना नाटक वाला रो रही है, बोल मतलब ऐसे रो रही है जैसे कि मुझे कोई देख के खोल देगा गेट और मैं बाहर जाऊँगी, इसी तरह करके ये रो रही है। और अभी इसको खाना खा के मेडिसिन खाना है, तो इसीलिए हम लोग इसको ले भी नहीं जा रहे हैं। और चाची मना भी कर रहे हैं कि मत लेके जाइए, मेडिसिन खिलाना है उसको, ऐसे बोल के। कांदो चुके बेटा, चाखी कांदा नहीं से जानी 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 जाए मजा आ जा। हाँ दीदी आएगा। और उसके बाद अभी यहाँ पे चावल जो हम लोग रखे थे पिछले वाले ब्लॉग पे, आप लोग देखे भी होंगे, तो वही चावल अभी मैं बोरे पे भर रही हूँ, क्योंकि ये जो चावल है ये थोड़ा सा लाल हो गया है। सॉरी, अभी मैं वॉइस दे रही हूँ तो इसी वजह से ना बारिश का जो मौसम है वो पूरा बादल गरज रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। तो यहाँ पे चावल जो है मैं अलग से रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये चावल पापा ले जाएंगे बेचने के लिए, तो इसीलिए मैं बोरा पे डाल दे रही हूँ। और बोरा जो है डबल बोरा डाली हूँ, क्योंकि फटा हुआ था, दो ही बोरा फटा हुआ है लेकिन अलग अलग जगह पे, तो इसीलिए इस तरह डबल बोरा करके उसी पे ही भर दे रही हूँ। पापा इसको ले जाएंगे, क्योंकि ये चावल तो वैसे भी खा नहीं पाएंगे हम लोग, और अभी फ़िलहाल पैसों की थोड़ा सा ज़रूरत होता है तो पापा चावल ही ले जाते हैं। और हम लोग तो वैसे भी घर का अभी फ़िलहाल खा रहे हैं, घर का चावल, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए, ये जो सूफा सूफा शायद बोलते हैं, ये सूफा पे ना ये जो पत्ता है ये मम्मी का मेडिसिन है, और ये मेडिसिन अभी पीसना है, पूरा पाउडर करना है मम्मी के लिए, मम्मी को खाना है ये वाला, तो इसीलिए इसको पाउडर करना है। बहुत अजीब सा, ये मम्मी का मेडिसिन है, पापा के लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेडिसिन जिस दिन लाए थे उस दिन पूरा घर इतना इतना स्मेल कर रहा था, बाप रे, मतलब कि कोई घर पे घुस भी नहीं सकता, उसी तरह पूरा इतना स्मेल कर रहा था। अभी सूख गया है तो नॉर्मल हो गया है, नहीं तो मतलब बार बार बोलना पड़ रहा था कितना स्मेल कर रहा है बोल के, बहुत स्मेल कर रहा है। इसको ना पीसना है अभी मुझे, तो पीस दूँगी। और ये रही चावल, चावल थोड़ा सा लाल हो गया है, थोड़ा सा लाल हुआ है चावल, मैं दिखाती हूँ आप सभी को। ये जो राशन हम लोग को मिलता है ना उसी में का चावल है, थोड़ा सा लाल है, इसलिए पापा इसको ले जाएंगे। देखिए, पैसे घर पे नहीं है तो चावल बेच के घर चलाना पड़ रहा है, ऐसे मतलब दिन भी आ रहे हैं। देखिए, चावल धान भी काफ़ी सारा है, धान भी हम लोग बेचते हैं, तो ये चावल आज ले जाएंगे पापा। लाल हो गया ये थोड़ा, और लाल हो जाता है ना तो चावल जब बनता है, खाना जब पकाते हैं तो वो अच्छा नहीं बनता है। और ये रहा पैसा, जा रही हूँ दूध लेने, क्योंकि दूध तो कोई पीता नहीं है मेरे घर पे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं मतलब कि चाय बनाने के लिए, उधर मम्मी है, चाय बनाने के लिए मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और पता नहीं होगा कि नहीं, वो भी मुझे नहीं पता, पहले पूछना पड़ेगा, क्योंकि लेट हो गया है, सुबह याद करना चाहिए था, कोई याद भी नहीं किया, अभी पूछ लेते हैं है कि नहीं, चाय बनेगा इसीलिए। बुरा सोचे के इतना तोर चूल्हा के वाह अलगा बना लू बुरस नहीं ना के मुझे जे के जाने के तो क्या बाजे भी दस तले रह बेटी के पूरा काले रोटा से जो ना देखन तले
गिलास से भर के गंग भर के बस ये तो यार डेढ़ गिलास पानी देने यार ना नहीं छाना ना के छान से हूँ छान में देने के नहीं नहीं चाह तो छान बुहांती फोने चल भाग और तो अभी जो है ये दूध मैं ढक के रख दूंगी फ्रिज पे, क्योंकि भैया शाम को आएंगे और मेरी भाभी के जो पापा हैं मतलब मेरे भैया के फादर इन लॉ जो हैं वो भी आएंगे, तो उन्हीं के लिए ही, उनको पसंद है दूध वाला चाय, तो उनके लिए ही मैं लेके आई हूँ दूध, उनके लिए शाम को चाय बनाएंगे सोच के, तो बस वही। और यहाँ पे देखिए पूरा कितना मतलब गंदा हो गया है, पूरा हाथ का निशान सब लग गया है, इसको मैं पोंछ दे रही हूँ, पूरा पूरा निशान पूरा रह गया था, इसको साफ़ कर देती हूँ। और फिर दूध पूरा ऊपर बोरा रखा हुआ है उसकी वजह से बंद नहीं हो रहा था, उसको उठा के फिर बंद करना पड़ रहा है। तो बस अभी उसके बाद यहाँ पे देखिए दो लोग तीन लोग के लिए खाना बनता है घर पे, तो ना सब्जी तो वैसे भी मम्मी कोई भी सब्जी होता है तो मम्मी बोलती हैं कि इधर उधर का जो भी मिले मिक्स करके बना के खा लेना चाहिए ऐसे बोल के। तो ये देखिए कुंदरू का पेड़, जो कि हम लोग जब कुंदरू पिछली बार खाए थे ना तो मम्मी ये पूरा काट दी थी, बस उसके जड़ के पास थोड़ा सा छोड़ दी थी, तो इसीलिए ना इतना सारा अभी बढ़ गया है। और पिछले वाले ब्लॉग पे एक ब्लॉग पे आप लोग देखे भी होंगे, पापा इस पे ना लकड़ी वगैरह टांग मतलब गाड़ दिए थे ताकि इसका जो डीर बोलते हैं ना शाखा जो होता है वो ऊपर चढ़ता है, तो इसीलिए कर दिए थे। और कुंदरू भी यहाँ पे आ गया है, तो वही मैं यहाँ पे तोड़ने के लिए आ गई थी, ढूंढ ढूंढ के तोड़ूंगी। देखिए तीन लोग के लिए जितना भी था मैंने तोड़ लिया था, थोड़ा सा इतना ही मिला है देखिए, और हो जाएगा, तीन लोग के लिए काफ़ी है ये। और बस उस पर आलू थोड़ा सा मिक्स करना है, आलू जो है थोड़ा सा कल रात का बचा हुआ है तो इसीलिए मैं ज़्यादा आलू नहीं लूँगी, कम ही आलू लूँगी, थोड़ा बहुत बस। तो अभी इसको मैंने छोटा छोटा करके पतला पतला करके काट लिया है, और कल रात को आलू थोड़ा सा रखी हुई थी जो कि बचा हुआ था, भूनूंगी सोच के कट की थी तो मम्मी मना कर दी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा सा आलू मिक्स करके देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। और बस इसको मुझे अभी बनाना है। और सबसे पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि कुंदरू जो है ना खाने के लिए मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि कुंदरू बनाने का तरीका अलग होना चाहिए, जिस तरह से भी बनाओ बनाने का तरीका अलग होता है तो टेस्टी लगता है, हर कोई चीज़ हर कोई सब्जी टेस्टी लगता है अगर बनाना आ जाए तो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले इसको ना मैं सूखा करके कुरकुरा थोड़ा सा कुरकुरा करके ही भूनूंगी, और खाने में भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के सरसों प्याज और लहसुन थोड़ा सा डाल के मैंने भून लिया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुंदरू आलू दोनों मैंने यहाँ पे डाल दूंगी, और फिर अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए चलाऊंगी मिक्स करूंगी। और बस अभी मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी इस पे, थोड़ा सा नमक डाल के फिर से अच्छे से मिला के इसको हल्का सा थोड़ी देर 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से ढक के पकाने के लिए छोड़ दूंगी, पकने के लिए सॉरी। और बस 2 मिनट के बाद अभी ढक्कन हटा दी हूँ, बस 2 मिनट मुझे ढकना है क्योंकि ज़्यादा ढकूंगी तो ये पूरा गल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट ढक के फिर इसी तरह ही सूखा सूखा अच्छे से फैला फैला के कढ़ाई में उसी तरह पकाया है, और फिर ये अब अच्छे से पक चुका है तो इस पर थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा जो मैं पीस के रखी थी वही है, और बस थोड़ी देर अच्छे से मिला लेना है। और टमाटर मैं यहाँ पे डालूँगी, टमाटर चाहे ग्राइंड करके डालें चाहे उसी तरह डालें, मैं यहाँ पे कट करके डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी का जो मेडिसिन था वो पिसा हुआ था, ग्राइंडर जार खाली नहीं था तो इसीलिए मैंने उसी तरह काट के ही डाला हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी जो है मेरा बन गया है, और बहुत अच्छे से बन गया है। अगर आप
ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करिएगा। मैं थोड़ा सा कुरकुरा, जिसको ढकना नहीं होता है वो बिना ढक के भी उसी तरह कुरकुरा करके और भी ज़्यादा कुरकुरा करके बना सकता है, लेकिन हल्का सा ढक के मैं बनाई थी। तो फाइनल लुक इस तरह से आया है और बहुत टेस्टी लगता है, चाहे तो आप ट्राई करिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिएगा, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।